हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर कुमार आपका बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स पैड नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एडवांस बायो नैनो टेक्नोलॉजी के बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स पैड एंड पिलो पैड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बहुत सारे 17 से 18 अलग अलग बायोमैग्नेट के प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और खास करके आज मैं आपको जो बताऊंगा कि जो हमारी मैट्रिक्स पैड होती है, जो पिलो होते हैं, उसके मैग्नेट कैसे चेक करने के, जो आप आपके मोबाइल से भी एकदम इजीली चेक कर सकते हो। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी इनविजिबल होती है, एनर्जी को आप देख नहीं सकते, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में काउंट किया जाता है। ओके, एनर्जी इज इनविजिबल। तो लोग क्या कर रहे हैं आज के दिन में, देसी जुगाड़ लगा के इस मैट्रेस पैड को चेक करते। जनरली मैंने देखा लोग घर का तवा, कढ़ाई, चम्मच, चक्कू, कैंची सब लगा लगा के इसका चेक करते, क्योंकि इसके अंदर हमने नैनो टेक्नोलॉजी के मैग्नेट्स यूज किए। तो आप हाथ लगाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, जल्दी पता नहीं चलेगा इसके अंदर मैग्नेट कहां पर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के छोटे बायोमेडिकल ग्रेड के मैग्नेट्स है। नैनो मतलब दुनिया की सबसे छोटी चीज। अभी मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, जो अपने गाल में लगाने वाली पाउडर होती है उसमें से एक डॉट आप सुई के नोक के ऊपर निकाल लो, और उसके 10 करोड़ पार्ट्स करने का जो आखिरी पार्ट बचेगा, दैट मींस नैनो, इतना छोटा होता है। तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी के मैग्नेट्स होते हैं तकरीबन 25-50 खाली तकिया के अंदर, पूरे मैट्रेस के अंदर। कभी 200 होते, कभी 300 होते, कभी 500 होते, डिपेंड्स करता है साइज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो सब सेट होता है। 1000 मैग्नेट्स भी होते हैं। तो इसमें पूरी है, इसके अंदर पूरी मैग्नेट्स है, और इस मैट्रेस को आपको बेडशीट के अंदर रखना है। तो जनरली लोगों की क्वेरीज होती है कि बाबा इसके अंदर मैग्नेट्स क्या है, लोग कंफ्यूजन में होते हैं, लोगों का एक ये हो जाता है, एक डाउट हो जाता है, इसमें मैग्नेट क्या है, हम लोग लेकर तो आए लेकिन इसमें मैग्नेट कहाँ पर है, कैसा पता चलेगा। तो उसको कैसे पता लगाने का वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। जनरली मैग्नेट को गॉस मीटर में मेजर किया जाता है, लेकिन अभी इस क्वालिटी का गॉस मीटर आप लेने जाओगे तो 50 से 60 हजार रुपए में आपको पड़ेगा, जो आम आदमी को जरूरत ही नहीं है, ना ही वो लेगा 50-60 हजार का। तो और इसका भी वैसा कोई, जब ये फिट हो जाता है इसके अंदर, तो इसको आप इससे चेक नहीं कर सकते, राइट। तो उसको चेक करने का तरीका आपके मोबाइल के अंदर एक ऐप में आपको बताऊंगा, और हमारी जो वीडियोस है वो वीडियो के अंदर भी उसकी मैं एक लिंक दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस गॉस मीटर का अभी फिलहाल मैट्रेस बनने के बाद कोई यूज नहीं, मैट्रेस बनने से पहले जो मैग्नेट्स होते हैं हमारे जैसे, तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये मैग्नेट को आप यहाँ पे टच करो तो यहाँ पे वो बताएगा कि कितना गॉस है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, सब यहाँ पे बताएगा। तो फिलहाल हम लोग गॉस मीटर बाजू में रख देते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, राइट। तो बेसिकली हमारा जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, और उसमें भी साउथ पोल नॉर्थ पोल मैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है, उसको बोला जाता है जियो फ्रिक्वेंसी। और इसके अंदर जो हम मैग्नेट यूज करते हैं उसके पीछे और आगे नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, और इसके अंदर हम लोग एक साइंटिफिक तरीके से इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं नॉर्थ एंड साउथ, जिससे हमारा ब्लड पूल एंड पुश होता रहता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत एकदम मुलायम कपड़ा है, आपको हमने अलग अलग साइज में इसको डिजाइन किया है, 3x6 है, 2x6 है, 4x6 है, 5x6 है, 6x6, डिपेंड कि ये इसकी आपकी बेड की साइज क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से हम बनाते हैं। मैग्नेट की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से हम लोग डालते हैं। तो बेसिकली पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस मैग्नेट को सिंपल वे से कैसे चेक करने का, जो देसी नुस्खे होते हैं या देसी जुगाड़ से इसको चेक नहीं किया जाता है, ये हाथ लगाने से भी आपको पता नहीं चलेगा कहां पर, लेकिन इसमें मैग्नेट 100% है, जितने मैग्नेट बोला उतना पूरा मैग्नेट इसके अंदर होता है। अब इसके अंदर आपके पास मोबाइल होना चाहिए थोड़ा एडवांस, तकरीबन बहुत बार आपका मोबाइल सादा हो या उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं सपोर्टिंग हो तो शायद ऐप नहीं चलेगा, लेकिन गूगल प्ले से आप इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड सेंसर। मैं आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा, आप इमीडिएटली उसको डाउनलोड करो, 2 मिनट के अंदर वो इंस्टॉल हो जाता है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंसर को हम लोग अभी चेक करेंगे। अब ये बेडशीट को मैं हटाता हूँ, ये बेडशीट मैंने यहाँ पर हटा दी, ये मैट्रेस है, और मैट्रेस में भी हमारे पास तकरीबन 40 से 50 अलग अलग कलर है। अभी ये ब्लू कलर में, लाइट ब्लू में है ये। अब इसको कैसे चेक करने का, देखो इसको मैं ऑन करता हूँ, मैग्नेटिक सेंसर को मैंने क्लिक किया, ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर खुला, ये बीच बीच में ऐप देता रहेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस ऐप में जाके पूरा का पूरा पढ़ लेना क्या है, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी क्या है, मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी क्या है। तो यहां पर पूरा जाके पहला पढ़ लो, ओके, पढ़ने के बाद फिर आपको आगे जाना है, फिर भी कुछ कोई भी कंक्लूजन आप बना सकते हैं। तो इसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शन, इसमें स्टार्ट बटन को आपको क्लिक करना है,
स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद इसमें बीच बीच में ऐड आता रहेगा, आपको डिलीट करते है उसको क्लोज करते रहना है। इसमें दो तरीके से हम लोग इसको गिन सकते हैं, एक डिजिटल मीटर और एक एनालॉग मीटर से, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो पहले हम लोग डिजिटल मीटर से इसको चेक करते हैं। ये डिजिटल मीटर मैं यहां पे रखता हूं, ये देखिए, ये आपको यहां पर ऐसा ये दिखेगा। ये जैसे आप यहां पर डालोगे, यहां पर वो अपना काउंट करना शुरू करेगा। जितना भी पावर दिख रहा है आपको यहाँ पे चेंज हो रहा है, डिजिटली आपको दिख रहा है कि इसमें क्या है, आगे पीछे नॉर्थ पोल साउथ पोल पूरा वो दिखाएगा आपको। देखो कम ज़्यादा हो रहा है, 1400 तक गया है, 1400-1500 तक ये गया है। तो इसमें एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी पावर है, राइट। और एक दूसरा तरीका है एनालॉग मीटर, एनालॉग मीटर इसको क्लिक करो, ये आप जैसे यहाँ पर रखोगे ये अपना जैसे अपने बाइक का होता है उस तरीके से वो दिखाएगा कि इसमें क्या पावर है। इस तरीके से देखो इसके अंदर पूरा ये बीप भी करेगा, लेकिन अभी मैंने शूटिंग के लिए इसको उसका जो म्यूट मोड में डाल के रखा है, नहीं तो ये आपको बीप बीप भी देगा। ओके, इस तरीके से इसमें कितनी पावर है अपने को पता चल रहा है, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या पावर है वो भी आपको पता चलेगा। देखिए इसको सिर्फ आपको घुमाते जाना है ऐसा, इसके अंदर सारे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, राइट, ये आपको दिख रहा है इस तरीके से पूरा, ये आपको काउंट दिखेगा इस तरीके से। ओके, ये पूरा आप देख सकते हो एनालॉग मीटर। अच्छा, ये मैंने मैट्रेस यहाँ से हटा दी, अब मैं इसको देखिए, अभी ये तीन चार दो तीन दिखा रहा है। ओके, दिस इज द डिफरेंस। ओके, ये डिफरेंस है। ओके, अब मैं यहाँ पर इसको वापस बिछा देता हूँ, ये देखिए ये पूरा अपना क्या पावर है वो दिखा रहा है यहाँ पर। ये किलो भी मैं ले लिया, ये देखिए ये पूरा आपको ऐसे इस तरह से आप देख सकते हो उसको। ओके, हमेशा आपको मैट्रेस को बेडशीट के अंदर ही रखना है, और ये मीटर से आप इसको चेक कर सकते हैं, अब आपको पता चलेगा बिफोर एंड आफ्टर। आप मैट्रेस को हटाओ तो अपनी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस को आप हटा देंगे तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। हमारा जो अर्थ है खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, इस मैट्रेस के ऊपर जस्ट सोना है, जैसे आप सोते वैसे सोना है। ये कोई दवा नहीं, ये कोई मैजिक नहीं, ये 100% साइंस है। और इस साइंस के ऊपर मेरे पास तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा अल्टरनेटिव थेरेपी के बुक्स है, मैग्नेटिक थेरेपी के बुक्स है, जो एक्सटर्नल थेरेपी होती है सनरेज ऑक्सीजन, जिससे हमारी बॉडी को जो पंच तत्व है, जिससे हमारी बॉडी को पंच तत्व मिलने चाहिए, जो फाइव एलिमेंट्स मिलने चाहिए, वो हमको नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी इंबैलेंस हो जाती है और हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल डिसीज होते हैं। तो आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर को पूछ लेना या किसी भी साइंटिस्ट को आप पूछ लो, 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल बिगड़ जाता है तो आपके बॉडी के अंदर मल्टीपल डिसीज हो जाते हैं, मल्टीपल वायरसेस आप पे इजीली अटैक कर सकते हैं, मल्टीपल बैक्टीरियाज आप पे इजीली अटैक कर सकते हैं, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, बैक पेन, बॉडी पेन, ऐसे मल्टीपल तकरीबन 300-400 टाइप की बीमारियां दुनिया में है। वो सारी की सारी बीमारियां हमारे शरीर में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करोगे तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। देखो, योगा करने से, एक्सरसाइज करने से, जॉगिंग करने से, हेल्दी फूड खाने से, न्यूट्रिशियस फूड खाने से हमें एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो आपको भी जस्ट दुनिया के हर एक बायोमैग्नेटिक के बुक में या जो भी मैग्नेटिक थेरेपी के बुक में यही लिखा गया है कि जब आप मैग्नेट को यूज करते हो तो दो ही चीजें आपके शरीर में बदलाव होता है, एक तो इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल, ये दो चीजों का बदलाव आपके अंदर होता है। और वैसे भी आप 10-12 घंटा काम करते हो तो घर पे आने के बाद आपको ये इस एनर्जी मैट्रिक्स में कम से कम 7-8 घंटे, एडल्ट बॉडी को साइंटिफिकली कहा जाता है कि 7-8 घंटा सोना चाहिए। तो क्योंकि नींद में हमारे बॉडी का रिपेयरिंग वर्क होता है, मेंटेनेंस वर्क होता है। अगर आप 7-8 घंटा अगर इस मैट्रेस पे सोएंगे, इस तकिया पे आप सोएंगे, मतलब इस तकिया को क्या करना है आपको अंदर, जैसे मैंने डाला इसके अंदर आपको डाल देना है, इस तरह से आपको तकिया को अंदर डाल के इसके ऊपर आपको सरक के सो जाना है। इसके अंदर दुनिया के सबसे पावरफुल बायोमैग्नेट्स हमने यूज किए, अलग अलग कलर्स में, कलर्स इसमें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन
देखो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, जैसे आज हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो अर्थ के मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण ही हो रही है। हमारा जो अर्थ है एक ह्यूज मैग्नेट है, और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अर्थ के ऊपर ही जीव सृष्टि पाई गई, अभी तक किसी भी प्लैनेट के ऊपर जीव सृष्टि पाई नहीं गई है, बिकॉज वहां पर ग्रेविटी फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, उसके कारण वहां पे जीव सृष्टि नहीं है, राइट। तो सिर्फ अर्थ के ऊपर जीव सृष्टि बिकॉज यहाँ पर मैग्नेटिक पावर है, और वो मैग्नेटिक पावर आज हमें मिल नहीं रहे क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है ऊपर, सीलिंग लोहे की, फ्लोरिंग लोहे की, 3-3 फीट में गाड़ियां, ये वो पूरा एनवायरमेंट बिगड़ चुका है। पूरे एनवायरमेंट में एनवायरमेंट बिगड़ने के कारण हमें मल्टीपल डिसीज हो गए, आज हमको खुराक पियो नहीं, मतलब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम लोग फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो ऐप आप डाउनलोड कर लो, और फ्रीक्वेंसी अलग अलग टाइप की होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोगों ने आपको एक मैग्नेट की फ्रीक्वेंसी बताई है। मैग्नेट हमारा जो मैट्रेस है वो जनरेट जियो फ्रीक्वेंसी, हमारा अर्थ भी है वो एक जियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, और हमारा जो मैट्रेस है वो भी एक जियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। इसके अंदर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक मैग्नेट्स लगे हुए, हाईली पोलराइज नेचुरल नियोडिमियम बायोमैग्नेट जिसमें बोरान, फेराइट्स, नियोडिमियम ऐसे मल्टीपल कंटेंट है, जिस आपको आपके मैट्रेस के ऊपर जिस चीज को बिछा देना है, ये तकरीबन आधा पौना इंच का होता है, इसके ऊपर आपको आपकी बेडशीट डाल देनी है, बेडशीट डालना है, इसके ऊपर आपको कोई भी मोबाइल वगैरह ज्यादा समय तक 1-2 घंटा नहीं रखना है ऐसा, बिकॉज वो डैमेज होने की चांसेस होती है। और जो 3 महीने से ऊपर जो प्रेग्नेंट है उसने उसको इस मैट्रेस को यूज नहीं करना है, 3 महीने के ऊपर का बच्चा इसको यूज कर सकता है। बाकी ये बायोमैग्नेट्स कभी भी आपको हम इफेक्ट नहीं करेगा, कभी कभी इंप्रूवमेंट रिएक्शन देगा, जैसे ओमिटिंग आना, लूज मोशन होना, बॉडी में पेन होना या सर दर्द होना, इस तरह से एक 5-6 चीजें हमारी बॉडी के अंदर जब ये रिपेयरिंग करता है, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम चालू कर देता है, तब आपको होगा। उस केस में 100 में से 10 लोगों का ये इंप्रूवमेंट रिएक्शन आ सकता है, तो उन लोगों ने 2-2 घंटा इसमें सोना है, 4-5 दिन सोएंगे तो आपको ये आदत हो जाएगी, और फिर आप इसमें कंटिन्यू सो सकते हैं। इसके ऊपर हमेशा इसको बेडशीट के अंदर रखना है। दिस इज द एनर्जी मैट्रेस, इसके अंदर दुनिया के सबसे पावरफुल किंग ऑफ बायोमैग्नेट्स हमने यूज किया है, तो वो ऐप के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। वरना फिर दूसरा तरीका है कि अगर आपको अगर हमने मैग्नेट दिया, तो मैग्नेट देखो ये ऐसा चिपकेगा यहाँ पर, देखो इस तरह से, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ये पलटी खा के ये चिपकेगा यहाँ पर, इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हो, राइट। लेकिन सबसे आसान है कि मोबाइल का ऐप, उसमें आपको डिजिटली भी आप चेक कर सकते हैं, एनालॉग तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये देखो ये पलटी भी पलटी इसलिए मारता है, देखो ये अभी पलटी मारा है क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने इसको साइंटिफिक तरीके से हमने इंटीग्रेट किया है, बिकॉज ये हमारे ब्लड को पुल एंड पुश करता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट है, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स है, वहां तक वो ब्लड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इस तरीके से भी ये हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि इसको ऐप के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं, मैग्नेट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। कोई देसी जुगाड़ नहीं लगाना है आपको, नहीं तो उठा के लेके आए तवा घुमा रहे और लोग बोलेंगे पकड़ता नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक लेयर होता है, इसके अंदर पूरा कॉटन भरा होता है, कॉटन के ऊपर भी एक लेयर हम बनाते हैं, तो इजीली हाथ से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ऐसा करोगे तो पता चलेगा, या तो आपके थ्रू या तो आपके मैग्नेट है, तो मैग्नेट ये वो भी चपटा मैग्नेट से, आप दूसरा कोई भी ऑर्डिनरी मैग्नेट लेंगे तो वो नहीं आपको समझ में आएगा उतना। तो इस तरह से ये इसके इसको चेक किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।